हेलो गाइस, नमस्कार। मैं भावेश गजपाल आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य विद भावेश गजपाल में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आप लोगों की मांग के आधार पर ACF रेंजर का मैथ का 2017 का ओल्ड क्वेश्चन पेपर। मैं आज सॉल्व कराने वाला हूं मैथमेटिक्स के। वैसे तो पूरे 50 क्वेश्चन है मैथ और रीजनिंग के, तो धीरे धीरे करके मैं सॉल्व कराऊंगा, वीडियो नहीं तो लंबा बन जाएगा, आप खुद देख नहीं पाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके मैं मैथ के क्वेश्चन पूरे कंप्लीट कराऊंगा, इससे आपको कॉन्सेप्ट पता चलेगा कि अगले एग्जाम में इस टाइप के अगर क्वेश्चन आए तो कैसे सॉल्व करने हैं। देखिए, सबके पढ़ाने का तरीका अलग है, हो सकता है मेरा आपको कॉन्सेप्ट आपको समझ आए, अन्यथा जो आप जिस मेथड से आप पढ़ते हैं उस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन बाजू में स्क्रॉल करते रहेगा, चलते रहेगा, उसको आप देखें और साथ ही सॉल्यूशन को देखते जाएं। चलिए क्वेश्चन नंबर एक पढ़ता हूं मैं। बहुत ही प्रचलित क्वेश्चन है ये, हर बार हर दूसरे तीसरे पेपर में पूछता ही है कि 19.50 रुपए की एक राशि 1.50 रुपए और 25 पैसे के सिक्कों के 2:5:8 के अनुपात में है, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए बी सी डी और ई, चूंकि उस समय पीएससी में 5 ऑप्शन होते थे, तो देखिए 2, 5 और 8, 6, 15 और 24, 4, 10 और 16, 8, 20 और 23 है। जो इंग्लिश मीडियम वाले वो इंग्लिश मीडियम में भी क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते जाते हैं कैसे सॉल्व करना चाहिए। देखिए ये दो तरीकों से ये क्वेश्चन आता है, एक जब रुपया दे दे तो सिक्कों की संख्या का अनुपात देगा, दूसरा जब सिक्कों की संख्या दे दे तब रुपयों का अनुपात देगा, मतलब मूल्यों का अनुपात देगा। मूल्य दे देगा, कुल मूल्य देगा तो सिक्कों की संख्या का अनुपात देगा, अनुपात सिक्कों की संख्या का रहेगा। यदि कुल सिक्के की संख्या दे देगा तो अनुपात मूल्यों का रहेगा, मतलब रुपयों का रहेगा, ठीक है। दो ही क्वेश्चन देता है, दोनों में आपको ये सरल वाला तरीका है तो उसको दिया है। क्वेश्चन नंबर 144 दिख रहा होगा, तो चलिए इसको देखते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर एक मान के चलते हैं, ठीक है, या 144 ही मान के चलते हैं आया हुआ हिसाब से, ठीक है। तो 144 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले दिया 1.50 रुपए और 25 पैसे के सिक्कों में अनुपात, है ना, ये मूल्य है, तो सिक्कों में अनुपात देखते हैं। सिक्कों में अनुपात क्या दिया है आपका, 2:1। देखिए समझा रहा हूं मैं, है ना, मैं पढ़ा नहीं रहा हूं आपको, सॉल्व करा नहीं रहा हूं। देखिए सॉल्व कराना क्या है, मैं जल्दी जल्दी बता दूंगा कि ऐसा फटाफट उस तरीके से नहीं, मैं बिल्कुल एक एक बिंदु जो जीरो से भी मैं सीख रहा होगा उसको भी समझ आएगा, वैसा एक एक बिंदु से सिखाऊंगा, ठीक है। तो देखिए जब भी आपको मूल्य दे दे तो अनुपात सिक्कों में देगा, और सिक्के दे दे, कुल सिक्के दे देना तो आपको अनुपात मूल्य में देगा। यहां पर कुल की वैल्यू दे दी गई, कुल क्या दिया है, कितना दे दिया है, कुल आपको दे दिया है 19.50 रुपए, ठीक है, इतना दे दिया है, तो आपको कुल मूल्य देगा तो सिक्कों का अनुपात देगा। अनुपात तो मान लो, अनुपात में कौन सा क्या भाई, मान लेते हैं उसको, ये 2x होगा, ये 5x होगा और ये 8x सिक्के होंगे। ये सिक्के कितने होंगे माना, ठीक है, 1 रुपए के 2x सिक्के होंगे, 50 पैसे के 5x सिक्के होंगे, x की कुछ वैल्यू पुट करेंगे तो उसका आंसर निकल जाएगा, मान निकल जाएगा, और 25 पैसे के 8x सिक्के होंगे। कॉन्सेप्ट समझिए, मैथमेटिक्स में फिजिक्स छुपा हुआ है, मतलब जैसे फिजिक्स में हम लोग सॉल्व करते समय यूनिट बराबर करते हैं, समय चाल दूरी सॉल्व करते समय यूनिट बराबर करते हैं, इकाइयों को बराबर करते हैं, वैसे ही ये वाले क्वेश्चन ना बिना यूनिट बराबर करे आप नहीं बना सकते, ठीक है। तो जैसे कन्वेंशनल तरीके से पढ़ाता हूं वैसे ही पढ़ा रहा हूं मैं। देखिए ये पैसे में है और ये रुपया में कैसे चलेगा, या तो इनको रुपये में बदल देते हैं तो बन जाएगा, या तो इनको पैसे में बदल देते हैं, क्या आसान है, इसको पैसे में बदलना, 1 रुपए बराबर कितना पैसा, 100 पैसा बदल दिया मैं, अब ये भी 50 पैसा और ये भी 25 पैसा, तो मैं क्या किया, इसको रुपयों को पैसे में बदल दिया, अब तीनों एक यूनिट बराबर हो गए, तीनों किसमें आ गए, पैसे में, इसको भी किसमें, ये भी रुपया में है, चूंकि सभी सर्वाधिक चीजें पैसे में है तो इसको भी पैसे में बदलना पड़ेगा, तो 19.50 × 100, अब ये पैसे में आ गए, किसमें आ गए, पैसे में, तो जो अगर बाकी हर एक चीज अगर पैसों में है तो इसको भी आपको पैसों में बदलना पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे देखते हैं, कुल कितना है आपके पास, 19.50 × 100 पैसे, ये कुल है आपके पास, है ना, तो 1 रुपए के मतलब 100 पैसे के 1 रुपए के कितने सिक्के, 2x सिक्के, तो 1 रुपए के मतलब 100 पैसे के 2x सिक्के धन, 50 पैसे के गुणित 5x सिक्के धन, 25 पैसे के गुणित 8x सिक्के, सभी का जो योग होगा मूल्यों का योग, ये कुल 19.50 रुपए के बराबर होगा, या पैसों में 19.50 रुपए गुणित 100 पैसे के बराबर होगा। रुपयों में लिखता तो ऐसा लिखता हूं, पैसों में लिखा हूं तो 100 का गुना कर दिया हूं, क्योंकि 1 रुपए बराबर क्या होता है, 100 पैसा, ठीक है,
उसी प्रकार ये हो गया खत्म आपका आंसर, ये हो जाएगा 200x, 5 पंचे 25, 250x, 25 अट्ठे ठीक है, 8 पंचे 40 का शून्य, हाथ क्या है 4, 8 दूनी 16, 4 20, ये भी 200x, कितने हो गए 200x बराबर 1950/100, दशमलव हटा दिया, दशमलव को किसमें बदल दिया, भिन्न में, और ऑलरेडी जब पैसे में बदले थे क्योंकि ये सभी पैसों में थे इसलिए इनको भी पैसे में कन्वर्ट करना जरूरी है, आपको रुपये वाला कॉन्सेप्ट भी बता दूंगा मैं, ये 100/100 कट गया, दशमलव हटा दिया तो 1950 रुपए आ गए, ये कितना हो गया 2 2 4 2 6 650x बराबर कितना 1950x बराबर 1950/650 है ना, 13 5 से काट ले क्या, 5 एकम 5, 5 दिया 15 ठीक है, 5 3 15 और बच गया 5 2 45, 13 एकम 13, 13 3 39 ठीक है, कितना हो गया 13 3 39, x का मान कितना आया 3 आया, x का मान कितना है 3 आया, बस रखते जाइए, सिक्कों की संख्या पूछा है क्या, हाँ ये यहाँ रख दीजिए, 1 रुपए कितने सिक्के 2x, 2 × 3 कितने सिक्के 6 सिक्के, 50 पैसे कितने सिक्के 5x, x का मान 5 × 3 कितना 15 सिक्के, 25 पैसे कितने सिक्के 8x, 8x, 8 × 3 x का मान 3, 8 3 24, तो ये आपका आंसर होगा, तो सिक्कों की संख्या क्या होगी 6 15 24, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा, आई होप इसको आपको ये समझ आया होगा, जब आप रुपयों में कन्वर्ट करेंगे तो ये रुपयों में ही रहेगा ठीक है, लेकिन ये चीजें रुपयों में बदल जाएंगी, फॉर एग्जाम्पल छोटा सा बता देता हूं, अगर आपने 1 रुपया लिखा है इसको ठीक है, इसको लिखा है आधा रुपए, 50 पैसे को क्या लिखेंगे आधा रुपए, जो 50 पैसे है ना उसको रुपयों में बदल के बता रहा हूं, देखो दो तरीके से बना सकते हैं ठीक है, और 25 पैसे को आप लिखोगे 1/4 रुपए, 25 पैसे को आप क्या लिखेंगे 1/4 रुपए लिखेंगे, 1/4 रुपीस लिखेंगे, देखिए रुपये में बदल दिया, अब ये रुपये में है तो इधर पड़ोस में क्या रहेगा 19 रुपए 50 पैसे, मतलब 19 1/2 रुपए ही रहेगा, कितना रहेगा रुपए में ही रहेगा, पैसे में नहीं बदलेंगे इसको ठीक है, 19 रुपए ही रहेगा ये, अब ये 5 2x 5x ये ही बस को बदलना है, बाकी ये चीजें वैसी रहेंगी, 2x सिक्के 5x सिक्के 8x, गुना करते जाइए 1 × 2x + 0.5 × 5x, यहां पर लघुत्तम निकालना पड़ता है, धन 1/4 × 8x ठीक है, लघुत्तम निकालना पड़ता है इसलिए ये मेथड को नहीं बताता मैं, 2x + 5x/2 + 4 एकम 4 2 8 2x = 1950/100, ये दशमलव को भी ने बदल लिए ठीक है, रुपये में चल ही रहा है, तो लघुत्तम निकालो 2 × 4x + 5x = 2 × 4x = ठीक है, 2 नीचे में बच जाएगा सबके, लघुत्तम निकाल इसका गुना इधर, इसका गुना इधर, इसके नीचे में उससे गुना नहीं होता, लघुत्तम निकाल गया 1950/100 ठीक है, 2 एकम नीचे से नीचे कट जाता है 2 50 शून्य शून्य कट गया ठीक है, क्या 5 4 9 3 5 4 9 3 आपका हो जाएगा 12, तो 12x = 195/5 5 एकम 5 ठीक है, 5 3 15 5 3 45 ठीक है, हाँ 4 13 हो जाएगा, 5 4 9 3 12 13 13x, तो 13x बराबर क्या आएगा 13x बराबर आएगा 39, 13 एकम 13 3, एक्स का मान अभी भी क्या है 3 आया थे, चाहे आप पैसे से बनाओ तो भी x का मान 3x आएगा, फिर यहां रखते जाओ 6 15 24 आएगा, चाहे आप रुपयों में बदल के बनाओ तो भी आपका x का मान 3x ही 3 ही आएगा, x का मान 3 आएगा फिर यही रखते जाओ, ये रुपयों में बदल के बनाया हूं आपको सबको रुपयों में बराबर कर लिए ठीक है, ये पैसे में बदल के बनाया हूं तो सबको हम पैसे में बराबर कर लिए, ये याद रखना, ये पैसे में है तो इसको भी पैसे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये सभी अगर रुपयों में है तो ये रुपयों में ही रहेगा, इसको बदलने की आवश्यकता नहीं है, आई होप आपको ये समझ आया होगा, चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, बढ़ते हैं हम फटाक से देखते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नीचे में स्क्रोल करता जाएगा, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक शहर की जनसंख्या 9000 है, क्वेश्चन नंबर 145, पुरुषों की संख्या 8% और महिलाओं की संख्या 5% बढ़े तो जनसंख्या 9600 हो जाएगी, तो शहर में पुरुषों की संख्या क्या है, जब एक वैल्यू दिया हो और दूसरा वैल्यू निकालना हो तो 5000 4500 आंसर दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है, 145 नंबर का क्वेश्चन है, एक शहर की जनसंख्या जिसमें पुरुष और महिला दिए हुए हैं, देखिए मान लेता हूं माना पुरुष एक्स तो महिला, शॉर्टकट में लिखा हुआ है ना, पुरुष एक्स तो महिला कुल कितना है 9000, तो 9000 में से एक्स कटाएंगे, पुरुषों को यदि आपने एक्स मान लिया पुरुषों की संख्या को तो महिला कैसे निकलेगा,
कुल 9000 है तो 9000 में से x को घटा दो, मतलब कुल में से पुरुषों को घटा दो तो महिलाएं निकल जाएंगी। ठीक है, जब एक एक ही कुल वैल्यू दिया हो, क्या दिया हो, कुल वैल्यू जब दिया हो तो ऐसा ही मान के बनाया कीजिए, एकदम शॉर्टकट तरीका है ये। कितना है कुल 9000, तो एक को x मान लो, दूसरा को 9000 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, अब बोल रहे हैं पुरुषों की संख्या 8% और महिलाओं की संख्या 9% बढ़े तो कितना हो जाता है, 9600 हो जाता है। देखिए इसको पकड़िएगा, 9600 हो गया हो जाता है, हो जाएगा। जब भी ये सब आते हैं मैथमेटिक्स में तो उसका मतलब आपको बराबर लगाना होता है, बराबर के इस पार लिखना होता है, तो बराबर के इस पार कितना 9600 हो जाएगा। कौन, ये पुरुषों की संख्या जो है ना एक्स का के की मतलब गुना होता है मैथमेटिक्स में, का कितना परसेंट, 8% बढ़ोतरी। देखिए परसेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, यदि मैं 8% बोलूं तो 8/100 लिखूंगा, क्या लिखूंगा 8/100, लेकिन मैं 8% बढ़िया बोलूं ना तो 100 में 8 जोड़ के बटा 100, मतलब मैं लिखूंगा 108/100, ये बढ़ा है। ठीक है, और ये परसेंट है, दोनों में 8% की वृद्धि है, ये बढ़ा। ये कमी बोलूंगा तो 100 में उतना घटा गया, अगर मैं बोलूंगा 2% की कमी तो मैं लिखूंगा 100 में 2 घटा के बटा 100, मतलब 98/100 लिखूंगा। ठीक है, कमी और वृद्धि को हमेशा 100 में घटाकर ही लिखते हैं, डायरेक्ट आपको ये सीखना है। ठीक है, लेकिन परसेंट को डायरेक्ट लिखा जाता है। ठीक है, ये दोनों कॉन्सेप्ट है परसेंट के। अब देखते हैं 8% की वृद्धि पुरुषों की संख्या में, तो लिखूंगा 108, 100 में 8 जोड़ के बटा 100 धन महिलाओं की संख्या 9000 माइनस एक्स का कितना परसेंट वृद्धि, महिलाओं की संख्या में बढ़ी, बढ़ा मतलब वृद्धि, 5% की वृद्धि, तो 5% बढ़ी, 105/100, सभी बढ़ा है इसलिए जोड़ के लिख रहा हूं। ठीक है, और दोनों का योग किसके बराबर होगा, 9600 के। ये जितना बढ़ गया इस महिलाओं में, जितना बढ़ गया दोनों का योग जो होगा वो 9600 के बराबर होगा, क्योंकि 9000 से बढ़कर कितने हो गए 9600। ये आ गया आंसर, यहाँ पर लघुत्तम ले लो, यहाँ पर लघुत्तम आ जाएगा नीचे में 100। ठीक है, ये हो जाएगा 108 × 1 108x धन 105 का गुना 9000 से, 9000 × 105 और 105 का गुना माइनस एक्स, माइनस 105x। ठीक है, बराबर 9600, एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूं। ठीक है, एक एक चीज को, अब देखिए ये और ये घट जाएगा तो ये 108 में से 105 लिया तो बचेगा 3x। ठीक है, यहां पर हो जाएगा 105 × 9। ठीक है, तो 100 नियम 900 और 5 नियम 45, तो 945 में 1 2 3 0। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 9,45,000 हो जाएगा, 105 को 9000 से गुना करेंगे तो 9,45,000 आपका हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बटा 100 है, 100 का तिरियक गुना क्रॉस मल्टीप्लाई होके ऊपर चले जाएगा 9600 की साइड, तो 9600 × 100 बस ये 3x हो गया। ये ट्रांसफर कर दीजिए, पक्षांतर कर दीजिए, ट्रांसफर कर दीजिए, ये देखिए 9600 में से 9600 और इसमें 100 को गुना करोगे 2 0 और लग जाएगा, इसमें से 9,45,000 को आप घटा दोगे, कितने को 9,45,000 को, तो कितना बचेगा 3x बराबर, ये बचेगा करीब करीब 15,000, कितना बचेगा 15,000 बच गया, काट लीजिए 3 × 1 = 3 × 5 = 15, 5 से कट जाएगा 1 2 3 0। ठीक है, कितना बच गया 5000, x का मान कितना है 5000, ये तो पुरुषों की संख्या है। ये देखिए पुरुषों की संख्या को हमने क्या माना था, x माना था, अगर महिलाओं की संख्या निकालने बोलते तो कैसे निकालते, ये 9000 - x मतलब 9000 - 5000। ठीक है, तो कितना हो जाता 4000 जाता महिलाओं की संख्या, ये महिलाओं की संख्या निकल जाती। ठीक है, कुछ नहीं करना, एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा सीधा सीधा। तो महिलाओं की संख्या, पुरुषों की संख्या ऑप्शन नंबर ए जो कि है 5000, एक्स ही आया आपका आंसर सीधा, जिसको निकालना होता उसी को एक्स मानिए, अदर वाले को नहीं मानिए। अगर महिलाओं की संख्या पूछता तो इसको एक्स मानता, इसको 9000 माइनस एक्स मानता। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है, डायरेक्ट आपका आंसर निकलेगा, एक लाइन में जमा दिए, इसमें बढ़ा तो दोनों को जोड़ के 9600 होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन जिसमें सबको लगभग दिक्कत होती ही है, ठीक है, तो पाइप और टंकी वाला है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 146। ठीक है, पूरे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा मैं, अच्छे क्वेश्चन अच्छे तरीकों से। तो 146 देखते हैं, दो पाइप ए व बी एक टंकी को 10 व 15 घंटे में क्रमशः भरते हैं। ठीक है, यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने घंटे बाद ए को बंद कर दिया जाए कि कितने मिनट बाद ए को बंद कर दिया जाए कि टंकी 9 घंटे में भर दिया जाए। ठीक है, भर जाए, एक बात याद रखिएगा, बाकी सभी चीज घंटों में दिया है, आवर्स में दिए हैं, लेकिन ए को जो बंद करने का समय वो मिनट में दिया है, और ऑप्शन भी किसमें, मिनट में है, लेकिन अलग अलग यूनिट करके हम नहीं निकाल सकते, बाकी चीजें घंटे में दी गई है, आवर्स में दी गई है, तो ये मिनट में है, तो मिनट को घंटों में मान लो। ठीक है, माना देखिए मैं मानता हूं,
अभी बाद में मिनट में बदल लेंगे आंसर को, है ना। तो पहले कितने मिनट के बाद ए को बंद कर दिया जाए, तो माना ए को एक्स घंटे में बंद किए, बंद कर दिया गया, कितने घंटों को बाद में मिनट में बदल लेंगे, क्योंकि ऑप्शन मिनट में दिया है, घंटे आएंगे उसको मिनट में बदल देंगे भाई। तो मैं मिनट में ना लिख के इसको क्या लिख रहा हूं, घंटों में लिख रहा हूं, क्योंकि बाकी सभी यूनिट क्या दिया है, घंटे में दिया है, तो आसान सॉल्व करना आसान होगा, वैसे ही बनाया कीजिए। यूनिट हमेशा देखना है मैथमेटिक्स में, और इतना आसान नहीं आया एसीएफ का मैथमेटिक्स वाला, मैथमेटिक्स और रीजनिंग का पोर्शन बहुत ही टफ है, कुछ क्वेश्चन एकदम सरल है लेकिन बाकी क्वेश्चन आपको टफ लगेंगे। आप चाहे चार्ट बनाए, चाहे बार चार्ट बनाए, चाहे पाई चार्ट बनाए, दशमलव दशमलव में आंसर आया हुआ है, ठीक है। तो ए को एक्स घंटे बाद बंद कर दिया गया, ये मिनट में आएगा आंसर बाद में, है ना। अब देखते हैं पाइप और टंकी सेम काम और समय के समान है, जिसको काम और टाइम एंड वर्क आता है उसको पाइप और टंकी आएगा, ठीक है। तो काम और समय में क्या होता है, देखिए ए व बी एक टंकी को 10 व 15 घंटे में क्रमशः बंद कर दिए, है ना, भर सकते हैं। तो ए और बी कितने घंटे में बंद कर रहे हैं, 10 और 15 घंटे में, ठीक है। दो पाइप, तो पाइप की जो क्षमता होती है, कार्य क्षमता, किसी भी की क्षमता जो होती है, जैसे कि पाइप बोल दिया तो पाइप लिखेंगे, नल बोल देगा तो नल लिखते हैं, कई बार नल लिया जाता है, ठीक है, तो नल लिखते हैं। क्षमता, क्षमता को टाइम एंड वर्क में काम मानते हैं, कार्य मानते हैं, वर्क मानते हैं। देखिए काम जो क्षमता है वही काम है, ये हमेशा समय के विपरीती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है समय के, ठीक है। टंकी को भरने में लगे समय के, टंकी को भरने में लगे समय के हमेशा व्युत्क्रमानुपाती होता है। काम हमेशा समय का उल्टा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्षमता हमेशा समय का उल्टा होता है, ये कॉन्सेप्ट है, चाहे काम समय बोलो, टाइम एंड वर्क बोलो, चाहे पाइप और टंकी बोलो, पाइप टंकी, ठीक है। टंकी में लगा, टंकी को भरने में लगा समय पाइप की क्षमता के, कैपेसिटी के बराबर होता है, ये याद रखिएगा, यूनिवर्सल फॉर्मूला है। अब देखते हैं इस फॉर्मूले से क्या होता है, तो देखते हैं पाइप ए और बी को टंकी को भरने में लगा समय, है ना, एक घंटे बाद बंद कर देते हैं, तो ए धन बी को लगा, ए धन बी की क्षमता, ये पाइप की क्षमता, क्षमता को कैसे लिखोगे आप, उल्टा, एक बटा दस, ए की क्षमता, ए की क्षमता एक बटा दस, बी की क्षमता एक बटा पंद्रह, दोनों के बीच में क्या है, कुल क्षमता, तो जोड़ दिए, ठीक है, ये कुल क्षमता आ गई। अब ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है x घंटे बंद के बाद a को बंद कर देते हैं, मतलब इतने घंटे तक दोनों ने काम किया होगा, किन दोनों ने, दोनों पाइपों ने काम किया होगा, a पाइप और दो पाइप ने शुरू किए कितने घंटे, ये मान लो कुल समय दिया है, कुल समय कितना दिया, 9 घंटा, कितना दिया, 9 घंटा दिया है, ये x घंटा a धन भी दोनों ने काम किया। देखिए एकदम ग्राफ बना दे रहा हूं एकदम सरल करने के लिए, x घंटा दोनों ने काम किया, x घंटे बाद a ने काम करना बंद कर दिया, a काम नहीं कर रहा है, केवल कौन काम कर रहा है, b काम कर रहा है, ठीक है। 9 घंटे का पूरा समय है, a धन b ने x के समय में काम किया, तो a धन b की जो क्षमता है, ठीक है, a धन b की जो क्षमता है, उन्होंने कुल समय लगाया x घंटे, देखिए इन दोनों की जो क्षमता है कितने समय तक काम किया, x घंटे, टोटल क्या काम कर रहे हैं, एक काम कर रहे हैं, एक काम क्या, टंकी भरने का काम, टोटल कितना काम कर रहे हैं, एक काम, एक काम कौन सा, टंकी भरने का, ठीक है, तो टंकी भरने का ये काम कर रहे हैं, एक काम, सभी एक काम के बराबर होगा, तो ये इसकी क्षमता गुणित लगा समय x घंटे धन, अब कौन चला गया, ए चला गया, मतलब एक बटा दस वाला चला गया, काम कौन कर रहा है, एक बटा पंद्रह वाला, ये चला गया, ये काम कर रहा है, इसमें एक बटा दस धन एक बटा पंद्रह दोनों काम कर रहे थे, कितने घंटे, एक घंटे, तो दस एक बटा दस वाला चला गया, एक बटा पंद्रह वाला काम करेगा कितने घंटे, तो 9 घंटे में से x हटा दो, तो ये 9 माइनस एक्स आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये बचा वाला भाग क्या आएगा, ये पूरा 9 है, ये x है, तो ये क्या आएगा, 9 माइनस एक्स, तो एक बटा पंद्रह वाला कितने घंटे काम किया, एक बटा पंद्रह, मतलब जो बी पाइप है ना, जो बी पाइप है उसकी क्षमता हो जाएगी, उसकी कैपेसिटी हो जाएगी 9 माइनस एक्स समय तक, एक बटा पंद्रह जो पाइप की, जो बी पाइप है उसकी कैपेसिटी हो जाएगी बचे हुए 9 माइनस एक्स घंटे तक, ये देखिए कुल मिलाकर कितने, एक काम, एक काम टंकी भरने के बराबर होगा, बस ये आ गया आंसर, गुना कीजिए इसका, गुना कीजिए x by 10, अंदर गुना कीजिए x by 15, 9 का गुना कीजिए 9 by 15, 9 इससे गुना माइनस x by 15, ये देखिए इसका गुना इससे, इसका गुना इससे, इसका गुना इससे, इसका गुना इससे, ठीक है, ये प्लस वाला ये माइनस वाला कट गया, x by 10 प्लस 9 by 15, ठीक है, एलसीएम ले लीजिए, ठीक है,
या काट लीजिए और सरल कर लीजिए, तीन तीन नौ, तीन पंच पंद्रह, देखिए और सरल हो गया, तीन बटा पांच। ठीक है, लघुत्तम ले लीजिए, लघुत्तम एलसीएम, लिस्ट कॉमन मल्टीपल जो आएगा वो टेन आएगा, एलसीएम जो आएगा वो टेन आएगा, फाइव वन जा फाइव टू जा, पांच एकम पांच दूनी दस, एक्स तीन दूनी छह, लघुत्तम लिया बेसिक से लघुत्तम। ठीक है, तो एक्स प्लस सिक्स बराबर टेन, इधर क्या चल रहा है सबके बाजू में वन वन, एक काम, एक काम क्या टंकी भरने का, एक काम क्या टंकी भरने का, तीजा गुना कीजिए, x प्लस सिक्स इक्वल टू टेन, पक्षांतर कीजिए, ट्रांसफर कीजिए, टेन माइनस सिक्स x इक्वल टू फोर, चार घंटे, क्योंकि सभी को आपने घंटों में लेकर चले हैं इसलिए घंटे में आंसर आएगा। ऑप्शन किसमें दिया है, मिनट में दिया, पूछा किसमें मिनट में, तो एक घंटा बराबर कितना मिनट, एक घंटा बराबर कितना मिनट, साठ मिनट, कितना मिनट, साठ मिनट होता, बदल दीजिए, चार उन्नीस साठ, छह चौक चौबीस, 240 मिनट इसका आंसर आएगा, 240 मिनट ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है, 240 मिनट आएगा, चार घंटे अगर घंटों में आंसर देता तो, और मिनट में बदल दिए तो एक घंटा बराबर 60 मिनट, तो चार घंटे बराबर चार मिनट 60, मतलब 240 मिनट। आई होप आपको यह समझ आया होगा, एक बार मॉडल आंसर जरूर मिला है, मैं जो आंसर बना रहा हूं आया है कि नहीं आया है, वैसे तो हाईलाइट कर दिया हूं, क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा वही अमेंडेड आंसर है, संशोधित उत्तर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैथ्स का अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं आगे। आई होप आपको यह समझ आ रहा होगा, अच्छे से समझ आ रहा होगा, डायग्राम के साथ बता रहा हूं, फ्लो चार्ट के साथ। तो देखिए 138 नंबर का क्वेश्चन क्या चल रहा है, देखिए दो गोले के आयतनों का अनुपात 64:27 है, 64:27, तब उनके सतह के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा, ए 1:2, बी 2:3, सी 9:16, डी 16:9, और ई इनमें से कोई नहीं। चलिए और आते हैं इस क्वेश्चन को, तो आपको पता होना चाहिए कि गोला जो स्फीयर है, तो गोलों के आयतन जो है ना, आयतन अगर कितने गोले हैं, दो गोले हैं मोर, है ना, तो गोलों का आयतन, तो आयतन नंबर वन बटा आयतन नंबर, मतलब वॉल्यूम, आयतन का मतलब क्या, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम वन अपॉन वॉल्यूम टू, आयतनों का अनुपात दिया है 64:27 दिया है, दिया ना भाई 64:27 दिया है। ठीक है, गोलों के मतलब गोला नंबर वन और गोला नंबर टू, स्पियर नंबर वन स्पियर नंबर टू, दोनों के वॉल्यूम का रेशियो 64:27 दिया है। गोले का आयतन, स्पियर का वॉल्यूम जो होता है वो 4/3 πr³ होता है, पहला है इसलिए वन है ना, दूसरा इसलिए 4/3 πr²। ठीक है, यह वॉल्यूम का फॉर्मूला है किसका, सॉलिड स्फीयर का, ठीक है, गोले का, तो ये दिया 64 है ना, देखिए क्यूब लगा है ना, मतलब ये भी घाती बनेगा ही बनेगा यार, ये तीन घात दिख रहा है ना, पड़ोस वाला बनेगा, बनेगा 4 × 16 × 64, 4³, और ये 3 × 9 = 27, 3³, 4 × 16 × 64, 3 × 9 = 27, ये देखिए आवाज आएगा, ये कट गया इससे, ये बच गया r1/r2, जब अलग अलग घात हो तो घातों को एक साथ लिख सकते हैं, जब अलग अलग घात हो तो घातों को एक साथ लिख सकते हैं, घात से घात कट जाता है, तो r1:r2 का मान आएगा 4/3। ठीक है, रेशियो कितना आया, r1:r2 का मान आया 4:3, मान लेते हैं इनकी त्रिज्याएं 4x होंगी, अनुपात जहां दिखता है वहां x के फॉर्म में मानो सीधा सीधा, ये 4x होंगी और ये 3x होंगी, r1 और r2 का मान, इसको ऐसा लिख सकते हैं और इसको ऐसा लिख सकते हैं, x के फॉर्म में, x के फॉर्म में a के फॉर्म में मानो, b के फॉर्म में मानो, y के फॉर्म में मानो, x के फॉर्म में मानो, अनुपात हटेगा, अनुपात हट जाता है, अनुपात को हटाने का यही तरीका है, मान लिए। अब बोल रहे हैं तो क्षेत्रफल का अनुपात, सतह के क्षेत्रफल का, तो गोले के सतह के क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का फॉर्मूला है ना, क्षेत्रफल पहले का और ये क्षेत्रफल दूसरे का, तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा ये पूछा है, तो ये देखिए गोले के सतहों का क्षेत्रफलों का अनुपात हमको निकालना है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो है 4πr² r1 पहले के लिए, 1 के लिए 4πr², 4π कट गया, r1 और r2 का मान क्रमशः 4x और 3x है, रख दो यहां पर मान, तो ये r1 का मान है 4x का वर्ग और r2 का मान है 3x का स्क्वायर, 4 × 16x², 3 × 9x², ये x² कट गया, तो दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या आया, 16:9 आया, क्षेत्रफल पहला अनुपात क्षेत्रफल दूसरा।
आपको ये समझ आया होगा, एकदम आसान है। ऑप्शन नंबर डी, पूरे फॉर्मूले से बता दिया हूं। ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है 16:9 होगा, अगर आयतनों का अनुपात ये है तो क्षेत्रफल का अनुपात 16:9 होगा। एकदम कन्वेंशनली परंपरागत मैथ तरीके से पढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 137 का नंबर का क्वेश्चन, इसी के ऊपर वाला क्वेश्चन जो दिया है 0.04। सभी प्रकार के मिक्स क्वेश्चन हैं, सभी प्रकार के क्वेश्चन होंगे, इसके बाद टफ क्वेश्चन भी आएगा, ऐसा नहीं कि सरल सरल आते हैं। का मान निकालना है आपको, ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, इसका मान निकालना है क्या होगा, ठीक है। कुछ नहीं करना है, दशमलव को भिन्न बदल लेना, ये 4/100 लिखाएगा, जितनी संख्या उतना जीरो, जहां पर दशमलव वहां पर एक, गुणित ये लिखाएगा 162, दशमलव की जगह एक, जितनी संख्या 1, 2, 3, 4 उतना जीरो बदलना है, ठीक है। 162 × 4 ये 162 × 4 इसको गुना कर लो, ठीक है। 162 × 4 तो ये जाएगा 648, कितना जाएगा 648 बटा ये नीचे में 100 और गुणित 10। इसको ऐसा क्यों लिखा, अब ऑप्शन से देखूंगा मैं, ऑप्शन से 6.48 आ रहा है सामने, मतलब ये 100 इसको बदलेगा, तो 100 इसको बदल लेंगे 6.48 में। देखिए दो संख्या तो दो जीरो कट गया और यहां पर दशमलव लग जाएगा 6.48 बता 10,000, 10,000 को जब ऊपर जाएगा तो कैसे 6.48 10^4, ठीक है। हर से अंश में जाने पर, भाग से गुने में जाने पर घात का चिन्ह बदल जाता है, तो +10 का +4 का क्या हो जाएगा 10^-4 हो जाएगा, 10^+4 का क्या हो जाएगा 10^3/4 हो जाएगा, 6.48 × 10^-4 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। एकदम सरल क्वेश्चन है, दो लाइन में सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, आई होप ये आपको समझ आया होगा। प्रॉफिट लॉस क्वेश्चन नंबर 136 इसी के ऊपर वाला क्वेश्चन 136 सेट भी है ये, ठीक है। तो क्वेश्चन अपने हिसाब से डाल रहा हूं मैं, लागत मूल्य एवं विक्रय मूल्य का अनुपात, लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस का अनुपात 4:5 है, मतलब लागत मूल्य और विक्रय मूल्य, विक्रय लागत मूल्य को हम क्रय मूल्य बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं क्रय मूल्य बोल सकते हैं, दोनों का जो अनुपात दिया है वो 4:5 दिया है, 4:5 दिया है, ठीक है। तो लाभ का प्रतिशत कितना होगा, ए 10%, बी 20%, सी 25%, डी 30%, ठीक है। तो मान लेते हैं ये लागत मूल्य जिसको क्रय मूल्य बोलते हैं वो 4x होगा और विक्रय मूल्य 5x होगा, ये देखिए, ठीक है। लाभ कैसे निकलता है, लाभ निकलता है विक्रय, ठीक है, सेलिंग प्राइस माइनस क्रय जिसको लागत मूल्य मानते हैं कॉस्ट प्राइस, ठीक है, मतलब 5x - 4x कितना निकला 1x, ठीक। अब निकाले लाभ का प्रतिशत, लाभ या हानि का प्रतिशत कैसे निकालते हैं, लाभ बटा जिसे तुलना करते हैं वो क्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य के सापेक्ष तो आपको पता चलेगा, कॉस्ट प्राइस के सापेक्ष तो पता चलेगा कि आपको प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, इसी से तो तुलना करोगे ना, जिससे भी तुलना किया जाता है वो हमेशा गणित में नीचे होता है, कहां होता है डिनोमिनेटर की जगह होता है, हर में होता है, ठीक है। गुणित 100% लगाने के लिए 100 से गुना, परसेंट हटाने के लिए 100 से भाग, लगाना है परसेंट के फॉर्मूला में 100 से गुना। लाभ कितना है 1x, क्रय मूल्य कितना है 4x, गुणित 100x कट गया, 4 × 4 = 25, सम कितना परसेंट 25%, खत्म आंसर, ठीक है। कितना सी, ऑप्शन नंबर सी क्या आएगा 25% इसका आंसर होगा, 25% इसका आंसर होगा। मैं पूरे प्योर मैथमेटिकली तरीके से ही पढ़ाता हूं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ये वाला अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन जो बोल रहा है वो बोल रहा है एक आदमी 5 किलोमीटर/घंटे की चाल से, क्वेश्चन नंबर 122 है, 122 नंबर का क्वेश्चन, बाजू में स्क्रॉल कर रहा है पढ़ते जाएं। एक आदमी 5 किलोमीटर/घंटे की चाल से एक पुल को 15 मिनट में पार करता है, पुल की लंबाई मीटर में ज्ञात करना है, मीटर में ज्ञात करना है, ऊपर का यूनिट जो चाल का है जो आपका
रेट है वो किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, लेकिन आंसर मीटर में निकालना है। यहीं पर चाल समय दूरी में लोग फंसते हैं क्योंकि यूनिट अलग होता है। सबसे सरल यूनिट में हम देखेंगे, तो सबसे पहली चीज तो आपको पता है कि चाल बराबर दूरी बटा समय, एकदम बेसिक से फंडे से हम पढ़ेंगे तो हम निकालेंगे दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुने समय। हमको क्या निकालना है, दूरी निकालना है, ये निकालना है, ये निकालना है। दूरी चाहिए मतलब चाल गुनी समय चाहिए, चाल और समय दोनों दिया हुआ है, बस यूनिट अलग अलग है, यूनिट को बदल लो आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं यूनिट बदलते हैं। तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको सबसे पहले मीटर प्रति सेकंड बदल लेते हैं, किसमें बदलते हैं, मीटर प्रति सेकंड में बदल लेते हैं। कैसे बदलेंगे, 5 × 5/18 से गुना कर दो, इससे इसमें बदलना है तो 18/5 से गुना कर दो, इसको इसमें बदलना है तो 5/18 से गुना कर दो। ठीक है, इसको इसमें, इसको इसमें। ठीक है, तो अब यूनिट है 5×25/18 मीटर प्रति सेकंड, क्या चीज, चाल, रेट निकल गया आपका। ठीक है, अब क्या समय, समय किसमें दिया है, मिनट में दिया है। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड ये किसमें है, सेकंड में है, तो समय किसमें दिया है आपका, मिनट में, यूनिट बराबर होना चाहिए। तो कितना सेकंड दिया है, 15 मिनट दिया है, इसको सेकंड में बदल लो, सेकंड में संख्याएं ज्यादा होती हैं, है ना भाई, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड 60, 1 = 60, तो जाहिर सी बात है जब इसको सेकंड में बदलेंगे हम मिनट से तो 15 × 60 हो जाएगा, है ना, ये किसे बदल गया, सेकंड में बदल गया, तो 15 × 6 = 90। ठीक है, 5 × 6 = 5 6 × 5 = 3 6 × 6 = 3 9, तो कितना जाएगा 90 सेकंड। तो 15 मिनट बराबर कितना सेकंड, 90 सेकंड, ये मीटर प्रति सेकंड में, ये भी सेकंड में। अब आ जाएंगे दूरी बराबर चाल गुणित समय। ठीक है, तो जब भी कोई व्यक्ति किसी पुल को पार करता है, ये व्यक्ति पुल को पार कर रहा है, तो व्यक्ति के द्वारा चली गई जो दूरी होती है ना, ये वाली, वही पुल की लंबाई के बराबर होती है, पुल की लंबाई होती है। ठीक है, पुल की लंबाई के बराबर व्यक्ति द्वारा चली गई दूरी होती है, जो व्यक्ति इतना दूरी चल के तय किया है ना, वही उतना ही लंबा क्या होगा, पुल होगा। तो व्यक्ति द्वारा, व्यक्ति का स्पीड कितना था, ये आया चाल, तो चाल कितना है, 25/18। ठीक है, गुणित समय कितना लगा है, 15 मिनट, मिनट को सेकंड बदल दिए 90 सेकंड। ठीक है, कितना सेकंड, 90 सेकंड, तो दूरी क्या निकलेगा आपका, ठीक है, 18 × 9 से कर लेते हैं, 9 × 2 = 18, 9 × 9 = 90, 2 × 2 = 10, 25 × 125 = 125, क्या निकला, 125। दूरी किसमें आएगी, किसमें निकालना है, मीटर में, किसमें, मीटर में, तो दूरी मीटर में आएगी आपकी, हमको निकालना है किसमें है, मीटर में निकालना है। ठीक है, कितना मीटर, कई बार 900 सेकंड होगा, देखिए यहां पर गलती कर दी हम, ये होगा 900 सेकंड, क्योंकि 12:50 आना चाहिए, ये 90 नहीं होगा भाई, है ना, 15 × 90 सुनने को भूल गया, तो ये 900 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये कट जाएगा आपका 50 बार में, तो 25 × 125 × 100, तो ये आ जाएगा मीटर में, ये आ गया आंसर 12:50, तो आंसर नंबर क्या होगा, डी, यहां पर 900 कर लेंगे। ठीक है, यहां पर भूल गया था, 15 × 90 कर दिया, शून्य लगाना भूल गया था, शून्य लगाएंगे तो यहां पर समझ आएगा 900, तो 1250 मीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा, आंसर नंबर डी। क्या से बनाया, 10वीं वाले फॉर्मूले से, दूरी बराबर चाल गुणित समय से, दूरी यूनिट बस को देखना है आपको, मीटर सेकंड, सेकंड मिनट से सेकंड में, तो 15 मिनट बराबर 900 सेकंड है, कितना सेकंड, 900 सेकंड, यहां पर ध्यान देंगे भटक गया था। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा 1250, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, आई होप ये आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो बोल रहा है 113 है, 113 मैथ बहुत लंबा समय लगता है, वीडियो ज्यादा लंबा बन जाता है। ठीक है, क्योंकि मैथ समझाने में समय लगता है, मेहनत भी बहुत लगता है। चलिए देखते हैं 114 नंबर का क्वेश्चन पहले पढ़ाता हूं मैं, फिर 113 की ओर बढ़ेंगे। 114 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है, यदि 6 आदमी और 8 स्त्रियां किसी काम को 10 दिन में पूरा करती हैं, ठीक है, तथा 26 आदमी और 48 स्त्रियां उसी काम को 2 दिन में पूरा करती हैं, तो 15 आदमी और 20 स्त्रियां उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगी। ये सबसे लेंदी वाला क्वेश्चन है,
जब भी किसी ऐसे महिला और पुरुष वाला या आदमी और स्त्री वाला क्वेश्चन आता है उसमें देखिएगा बीच में क्या लगा है, ठीक है। तो यदि अथवा या लगा होता है, देखिए बता रहा हूं आपको, तो बराबर लगाएंगे, और यदि और लगा होता है ना तो उसका मतलब प्लस होता है। दोनों के बीच में क्या लगा होता है, क्या का संबंध है, प्लस का संबंध है। अथवा या लिखा होता है, जैसे लिखा रहता है इसकी जगह छह आदमी अथवा आठ स्त्रियां किसी काम को, अथवा लिखा रहता तो बराबर लगाता मैं, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को कैसे पढ़ेंगे, देखिए काम वही कर रहे हैं, एक काम, काम क्या हो रहा है, एक ही काम हो रहा है, काम दोनों का बराबर है, मतलब काम जो पहले दोनों लोग मिलकर कर रहे हैं वही काम दूसरे लोग भी कर रहे हैं, तो बाकी दो लोग, ठीक है। तो काम पहला बराबर दूसरे के काम के बराबर है, ठीक है। तो छह आदमी, छह मेल, एम फॉर मेल है ना, और लिखा है और मतलब प्लस आठ फीमेल स्त्रियां, ठीक है, किसी काम को कितने दिन में करती हैं, 10 दिन में, तो गुना कर लेते हैं 10 से, ठीक। यूनिवर्सल फॉर्मूला काम और समय का, ठीक है, मैन डे बाई वर्क पहले का बराबर मैन डे बाई वर्क दूसरे का, आदमी या व्यक्ति दिन बटा काम, व्यक्ति दिन बटा काम, ये यूनिवर्सल फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले का अंतिम हम यूज करेंगे। पहले तो इक्वेशन बना लेते हैं, दोनों के भार को एक कर लेते हैं, 26 मैन और 48 फीमेल, मेल और फीमेल किसी काम को, उसी काम को दो दिन में पूरा करते हैं, कितने दिन में, दो दिन में, ठीक है। तो एक इक्वेशन बन गया, तीन इक्वेशन वाले जब हो, और उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि 15 मैन मेल और 20 फीमेल, कितने फीमेल, उसी काम को कितने दिन में करेंगे, तो मैं मान लिया एक्स दिन में, ये निकालना है कितने दिन में करेंगे, ये दिन निकालना है, क्या निकालना है आपको, ये दिन निकालना है कितने दिन में ये करेंगे। पहले दो कथन को हम क्या किए, इक्वेशन बनाए, और दूसरे इक्वेशन को वहां पर फुट करके निकाल लेंगे। देखिए बराबर कर लेते हैं, या तो मेल के बराबर फीमेल ला लो, है ना, 10 × 60 मेल, 8 × 80 फीमेल, ठीक है, 26 × 12 तो 26 × 52 52 मेल, और 48 × 2 ठीक है क्या हो जाएगा, 96 फीमेल, ठीक है, ये बराबर होगा, मेल बराबर फीमेल कर रहे हैं, ये मेल यहां फीमेल यहां, ट्रांसफर कर लो, 60 में से 52 गया, ट्रांसफर कर लो, पक्षांतर कर लो, तो ये 8 मेल बराबर 80 × 96 16 फीमेल, 8 × 8 = 1 मेल, ठीक है, बराबर 2 फीमेल, 1 मेल किसके बराबर है, 2 फीमेल के बराबर है, 1 मेल का काम 2 फीमेल के बराबर है, ठीक है, बस यही करना है, इसी से आपका निकल जाएगा। तो आप इसको किसी भी एक इक्वेशन में, इसमें पुट कर लेते हैं, इतने में इसको छोड़ दो, तो 6 मेल धन 8 फीमेल गुणित 10 दिन में, कितने दिन में काम करते हैं, 10 दिन में काम करते हैं, है ना, तो रख लो 1 मेल बराबर कितना फीमेल, 2 फीमेल, यहां रख लो मान, यहां पर मेल में फीमेल बदल रहा हूं, 6 गुणित 1 मेल बराबर कितने फीमेल, 2 फीमेल धन 8 फीमेल, ऑलरेडी कितने 8 फीमेल, जोड़ लो 6 × 2 = 12 फीमेल धन 8 फीमेल, कितने फीमेल, 20 फीमेल, तो कुल मिलाकर 20 फीमेल कितने दिन में काम कर रहे हैं, 10 दिन में, अगर इनको पूरे को मेल और फीमेल को पूरे को फीमेल में बदला तो कितना फीमेल निकला, 20 फीमेल, तो 20 फीमेल मतलब महिलाएं जो है, स्त्रियां जो है वो 10 दिन में काम कर रही हैं। अब इसको देखते हैं, 15 गुणित 1 मेल बराबर कितना फीमेल, 2 फीमेल, 2 फीमेल धन 20 फीमेल, 15 × 30 फीमेल धन 20 फीमेल, 50 फीमेल, 50 स्त्रियां कितने दिन में काम कर रही है, 1 दिन में, बस यहां रखना है, M1 डे, D1 व्यक्ति या चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, D फॉर डे, यहां पर आवर्स दिया था, जब घंटा दिया रहता, समय दिया था घंटा में, तो उसको भी रखते हैं, लेकिन अभी घंटे वाले कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा। W1 वर्क 1 बराबर M2 D2 डे 2 दिन दूसरे का बराबर W2, कुछ नहीं रख लो खाली मान, ये देखिए पहले का, ये पहला, ये पहला, ये दूसरा, ये दूसरा, ठीक है, पहले का 20 फीमेल कितने दिन में, 10 दिन में, किस काम को, एक काम को करते हैं, तो 50 फीमेल x दिन में, कितने काम को, उसी एक काम को कितने दिन में करेंगे, x दिन में करेंगे, कितने दिन में करेंगे, x दिन में, एक और एक नीचे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये 20 दाम, ये 200 बराबर 50 गुणित x, ठीक है, 200 / 50 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर नीचे आ गया, है ना, 50 नीचे आ गया, 0 × 5 = 5 = 20 कितने दिन में, 4 दिन में, x का मान क्या आया, 4 दिन आया, ये आपका आंसर।
तो वही पूरे लोग मतलब 15 मेल प्लस 20 फीमेल, जिसको मैं फीमेल में बदला था तो 50 फीमेल के बराबर आए थे। तो 15 मेल या 20 फीमेल या 50 फीमेल इसी काम को 4 दिन में करेंगे। कितने दिन में करेंगे? 4 दिन में। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही, 4 दिन ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। तो बहुत सारा क्वेश्चन हो गया है मेरे को लगता है, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन आपको आई होप ये समझ आ रहे होंगे, इसको ऐसे ही बनाना है इस कॉन्सेप्ट को। और भी जिस अगर आपके पास सरल कॉन्सेप्ट हो तो उससे बनाएं, लेकिन मुझे ये कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छा लगता है और इससे कभी गलती नहीं होती है। वीडियो में अंत तक बनाने के लिए धन्यवाद। यदि इस प्रकार के मैथ के और क्वेश्चन चाहिए तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। साथ ही यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करें। एक भी क्वेश्चन आपको बेनिफिट देता है तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।